वहीं रायपुर में संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने संस्कृति विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई है। फटकार के बाद मंत्रियों ने स्वीकारा है कि बिना जानकारी के राजोत्सव का टेंडर जारी कर दिया गया था और फिर उसे कैंसिल भी कर दिया गया। मंत्री ने बैठक में पूछा था कि इसकी जानकारी उन्हें क्यों नहीं दी गई। जानकारी न होने के होने से जवाब देने में परेशानी होती है। राज्योत्सव के मद्देनजर उन्होंने सचिव को सारी व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। राज्योत्सव के लिए साइंस कॉलेज की जगह छोटी पड़ने की बात को उन्होंने नकार दिया और कहा है कि राज्योत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर राज्योत्सव मनाया जाता है, जो इस बार साइंस कॉलेज में किया जा रहा है, जिससे लोगों को नया रायपुर जाने में दिक्कत न हो। कलाकारों के भुगतान को लेकर अमरजीत ने कहा है कि संस्कृति विभाग की हालत भाजपा शासनकाल की अपेक्षा काफी बेहतर हुई है। जिसमें और हमको उसमें कुछ तकनीकी जिस वजह से उसको निरस्त करने की बात कही गई है, मैंने उनको हिदायत दिया है कि इन फ्यूचर कभी इस प्रकार का कुछ भी रहे तो बिल्कुल जानकारी में देकर के ही कुछ कार्रवाई करना है। नहीं तो कई विषय ऐसे रहते हैं जिसमें लोग पूछते हैं और हमको उसका जवाब देने में